देखो साहब, उड़ीसा में जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना रही है, हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं और अभी भी जो मौत के आंकड़े हैं वो स्पष्ट नहीं है कि कितने व्यक्ति मरे हैं, ठीक है। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है। और इस दुर्घटना पे कोई साधु संत या साधु संत के नाम पे कोई पाखंडी व्यक्ति अगर इस तरह की बात कहे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो आपदा में अवसर ढूंढ रहा है, वो मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप ये अपने आप को खुद साधु संत बोलते हो, अपने आप को अंतर्यामी बोलते हो कि आपको पहले सपने आ जाते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो आप क्या अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई आपको पर्ची डाल के दे तब आप बताओगे कि वहाँ पे घटना होनी है नहीं होनी है? आप तो जनता को साफ मूर्ख बना रहे हो, देश को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो, देश की भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हो। अरे आपको अगर जानकारी होती तो आप तो क्रेडिट लेने के लिए नेशनल मीडिया पे आ जाते और सब कुछ पहले ही बता देते। इस तरह की जो ढोंग और पाखंड है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के ढोंग और पाखंड ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले हैं। आसाराम बापू भी इसी तरह का दिव्य ज्ञान देता था और राम रहीम भी इसी तरह का दिव्य ज्ञान देता था और दोनों का आश्र हम लोगों ने देख लिया कि दोनों लोग इस समय कहाँ हैं, जेल की सलाखों में हैं। इसी तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री का भी समय आने वाला है, उसकी भी जो कहते हैं ना पाप की पोटली भर रही है धीरे धीरे। अरे ये लोग जो है ये धर्म के नाम पे दुकानें खोल के बैठे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पहले अपने आश्रम की बात देख ले कि वहाँ से कई लोग गायब हो चुके हैं, वहाँ कई लोग जाते हैं उससे मिलने के लिए और शिकायतें आ रही हैं, कई थाने चौकियों में उसके नाम पे शिकायतें हैं कि लोग मिलने आते हैं और लोग लापता हो रहे हैं। तो पहले तो इसकी एक जांच होनी चाहिए सीबीआई द्वारा कि आखिर माजरा क्या है कि बाबा के पास जो है लोग पहुँच रहे हैं और लोग वहाँ गायब हो रहे हैं, आखिर क्या उसके पीछे षड्यंत्र है। पहले तो बाबा का षड्यंत्र क्लियर होना चाहिए। बाबा जो है वो बड़ी दूषित मानसिकता का आदमी है, इसके आप कभी भी प्रवचन सुनो, हर प्रवचन में वो सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति पहुंच जाए, कोई दलित व्यक्ति पहुंच जाए तो उससे कहता है तू दूर रह, तू मुझे टच नहीं करेगा, ठीक है, मखौल उड़ाता है। बिहार जब गया था तो बिहार में आपने देखा होगा कि बिहार के लोगों को बंदर की संज्ञा दे रहा है, क्या वही बंदर हैं और पागल हैं इस तरीके से। अभी वो गुजरात में भी गया था सत्संग करने, तो गुजरात में भी बता रहे हैं इसी तरह की कुछ घटनाएँ हुई हैं और बिहार में तो कई लोग जो है बेहोश भी हो गए थे उसके उसमें। तो ये लोग जो है मौके का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाना जानते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं कि मौत पे भी राजनीति कर लेते हैं, मौत में भी फ़ायदा ढूंढने वाले लोग हैं ये। इनके पास जो है इनके पास जमीर नहीं है, इनका जमीर गिरवी रखा हुआ है। सर ऐसे बाबाओं को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है जो इस तरह से बोल रहे हैं वो? बीजेपी से ऑक्सीजन मिल रही है, ऐसे पाखंडी सारे पाखंडियों को बीजेपी आरएसएस ऑक्सीजन दे रही है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बांटने का काम जो है ये बाबाओं के द्वारा बीजेपी करवा रही है। बीजेपी खुल के सामने नहीं आती है, प्रधानमंत्री आते हैं और आके बोल देते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू मुस्लिम मत करो, और ऐसे बाबाओं को खुली छूट दे रखी है। ऐसे बाबा सांप्रदायिक भाषण देते हैं, ऐसे बाबा जो है खुलेआम जो है कहते हैं कि साहब तलवार उठा लो, मुसलमानों को काट दो, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। तो लोगों के खिलाफ कार्रवाई बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? हजारों लोगों की भीड़ में कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है ये, तो जबकि सेकुलर देश है हमारा, अमृतपाल ऐसी मांग करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है, इस बाबा पे पुलिस हाथ क्यों नहीं डाल रही है? देखो साहब, अमृतपाल जैसे लोग भी गलत हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग भी गलत हैं। बस मामला ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा चलाया जा रहा है उस एजेंडे के हिस्से हैं। इनका भी सही समय में आने पे इनको भी बीजेपी इनका इलाज कर देगी। आपको ध्यान होगा किसान आंदोलन के दौरान एक दीप सिद्धू करके है बीजेपी का कार्यकर्ता जिसने लाल किले पे एक झंडा फहराया था, बाद में एक दो सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। उसको जब मतलब जब उसका काम खत्म हो गया तो उसको जो है साइड कर दिया गया। इसी तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री को अभी 2-3 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से उनको एक एजेंडे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जब वो इस्तेमाल हो जाएंगे तो उनके पास तो सैकड़ों केस हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ तो सैकड़ों केस हैं,
हिंसा भड़काने के, धार्मिक भड़काऊ भाषण देने के, और उनके यहाँ से कई लोग गायब भी हुए हैं, तो किसी ना किसी केस के तहत वो अंदर कर दिया जाएगा। अभी सरकार ने जो है उसके पीछे हाथ रख रखा है, जिस दिन वो हाथ हट जाएगा धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, वो बिहार में उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते हैं और जो गाड़ी का चलान भी करता है। देखो साहब, ऐसा है बिहार में तो बीजेपी के पास कोई नेता नहीं बचा। मनोज तिवारी तो दिल्ली के नेता है, बिहार में इस समय नेतृत्वहीन और नेताविहीन पार्टी हो चुकी है बीजेपी। इस वजह से धीरेन्द्र शास्त्री की आड़ में ये लोग जो है वहाँ जनाधार तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से बाबा का जो है वहाँ पे ये 3 दिन का सत्संग कराया गया और बाबा के जरिए वहाँ पे ये कार्यकर्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, अपना वोट बैंक हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। और एक नेता गिरिराज सिंह पहुंचते एयरपोर्ट पे उसे लेने के लिए, मनोज तिवारी उसे गाड़ी से जो है पटना तक लेके आते हैं, उनका चालान भी कटता है क्योंकि ट्रैफिक नियमों का वहाँ उल्लंघन होता है, उनकी गाड़ी का पॉल्यूशन भी नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें थीं जहाँ पे ये देखने में आ रहा है कि ऐसे बाबा लोग, पाखंडी लोग और बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, ये नियम कानून व्यवस्था में जो है उल्लंघन डालने का काम करते हैं। और खास तौर से अगर हम यहाँ उड़ीसा की बात करें तो बीजेपी आईटी सेल ने एक जो है फर्जी खबर, फेक न्यूज चलाई थी। आपने भी देखा होगा कि शुक्रवार का दिन है और जहाँ घटना हुई उसके पास में एक मस्जिद है, मस्जिद से कुछ जिहादी लोग आए, उन्होंने जो रेलवे ट्रैक है उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, इससे दुर्घटना हो गई। और जब उसकी जाँच हुई, जो फैक्ट न्यूज फैक्ट चेकर्स हैं उन्होंने जांच करी, तो पता चला कि साहब वहाँ एक एस्कॉन टेम्पल था, वहाँ तो मंदिर था। तो अब क्या मंदिर वाले लोगों ने दुर्घटना करी है? अब वही बीजेपी आईटी सेल मंदिर के नाम पे क्यों चुप हो गया? जब मस्जिद पे आप इतनी तोहमत लगा रहे थे तो आप मंदिर में बोलो कि साहब मंदिर वालों ने दुर्घटना करा दी। इस तरीके से जो मंदिर मस्जिद करने की जो राजनीति बीजेपी आईटी सेल के लोग करते हैं, इससे माहौल ख़राब होता है। अब मौत का भी जो है मजाक बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा रेल मंत्री वहाँ भारत माता की जय के नारे लगवा रहे हैं, रेल मंत्री वहाँ वंदे मातरम के नारे लगवा रहे हैं। नहीं देखिए, आप कहीं मौत होती है तो वहाँ पे हमने ये तो सुना था कि 2 मिनट का मौन रखो, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, ये नहीं कि वहाँ जाके भारत माता की जय के नारे लगाने लग जाओ। कोई बहादुरी का काम हुआ है? हमने कोई खिलाफ फतेह किया था क्या? अमृतकाल नहीं, अमृतकाल है, हमें तो ये समझ में नहीं आता भैया कैसा अमृतकाल है कि विषकाल है। हम तो इसे विषकाल कहेंगे, ये तो जहर काल कहेंगे कि साहब मौत पे जो है आप मजाक बना रहे हो। मोदी जी जो है वहाँ पे ड्रेसें बदल रहे हैं, रेलवे के हर डिब्बे पे लिखा रहता है आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है देश में। अब देख लो आप कैसा अमृत महोत्सव मना, रेलवे में लोको पायलट नहीं है, रेलवे के पास सुरक्षा कर्मी नहीं है, रेलवे के पास इंजीनियर नहीं है, रेलवे के पास इतना भी फंड नहीं है कि वो अपने ट्रैक ठीक करवा ले। जबकि फरवरी में रेलवे के एक बड़े अधिकारी ने बोला था कि रेलवे ट्रैक का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और इससे पहले भी सिस्टम का फेलियर हुआ था और कुछ घटनाएं हुई थी, हालांकि वहां पे मौत नहीं हुई थी किसी की, लेकिन रेलवे ने हमेशा उसको नज़रअंदाज किया। इंजीनियरों की शॉर्टेज है तो ये बताओ साहब ट्रैक कैसे चेक होगा? लोको पायलट 12-12 घंटे साहब ड्यूटी कर रहे हैं, थक जाएंगे, कैसे सही से ड्यूटी कर पाएंगे? हजारों की संख्या में रेलवे सुरक्षाकर्मी नहीं है वहां पे। जब रेलवे सुरक्षाकर्मी नहीं होंगे तो कहीं कोई मान लो ट्रैक के साथ छेड़छाड़ करे, कहीं स्टेशन पे कुछ गड़बड़ हो तो कैसे चेकिंग होगी? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जब वहाँ मुआयना किया तो कई बार ड्रेस बदली, मतलब परिधान मंत्री की एक उपाधि दी गई है विपक्ष द्वारा, लेकिन वहाँ कफन नहीं मिले लाशों को। प्रधानमंत्री जी आपदा में अवसर कहते हैं और आपदा में अवसर खुद ढूंढते हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचे, मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए, मोदी मोदी, जनता कर रही साहब मोदी मोदी। पता नहीं वहाँ रैली करने आए थे कि आप वहाँ पे मुआयना करने आए थे, शोक संवेदनाएं देने आए थे? और जो गोदी मीडिया के पत्रकार रहे हैं वो मोदी जी से सवाल तो नहीं कर रहे कि ये हादसा कैसे हुआ, किसकी कमी है, जिम्मेदारी कौन लेगा? वो कह रहे साहब धूप बहुत है, साहब गर्मी बहुत है। 2 मिनट के जो है बाइट में 20 बार ये बोल दिया गोदी मीडिया के एंकरों ने कि यहाँ धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। प्रधानमंत्री जी साहब 2 बड़े बड़े कूलर लग गए उनके लिए कि साहब यहाँ कोई बहुत बड़ा इवेंट मैनेजमेंट होने वाला है। 4 तरह की प्रधानमंत्री जी ने जैकेटें बदल ली। प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है मानसिक रूप से
से बीमार हो गए हैं, उन्हें बीमारी है कपड़े बदलने की। वो हर जगह जो है उत्सव का माहौल देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि साहब यहाँ हमें कफन पहनाने हैं कि यहाँ हमें ड्रेसें पहननी है। जहाँ आप मौत, जिन लोगों की मौत हुई उनके लिए आप कफन तक नहीं पहुँचा पाए हो, उनको ऐसे ही जो है ट्रॉलियों में और ऐसे ही जो है उनको ट्रकों में भर भर के डेड बॉडी पहुँचाई जा रही है, और ये भी नहीं देखा जा रहा है कि ये आदमी जिंदा है कि मर गया। कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि दो तीन जीवित व्यक्तियों को जो है मुर्दा घर पहुंचा दिया गया। तो इस तरह का जो मिसमैनेजमेंट रहा, ये पूरा का पूरा ये दिखा रहा है कि बीजेपी सरकार कितनी संवेदनहीन हो चुकी है। इनके लिए देश की जनता, जो गरीब जनता है, उनकी मौत और उनका दुख दर्द जो है उनके लिए इनके पास कोई संवेदनाएँ नहीं है। हर जगह ये आपदा में अवसर ढूंढने का काम करते हैं। अब यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि साहब कमी जो है वो रेल विभाग की नहीं रही, अब इसमें ये षड्यंत्र ढूंढ रहे हैं। और चार दिन हो चुके हैं इस घटना को और अभी तक किसी की जिम्मेदारी नहीं तय की गई कि कौन व्यक्ति इस हत्या, इस इतने बड़े हादसे, दुखद हादसे के लिए जिम्मेदार है।